अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि चांदनी आपके लिए लेके आई है बहुत ही अमेजिंग डाइट प्लान्स। सो गाइस, इतने आसान डाइट प्लान जिनको आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। और अब तो आने वाली है वेकेशंस, या फिर आपकी कजन की शादी, या फिर आपका वो पुराना सूट जो आपका इंतजार कर रहा है और आप उसे इस तरीके से देखते हैं और वापस रख देते हैं क्योंकि आप उसमें फिट नहीं आ पा रहे हैं। तो आप आए हैं बिल्कुल सही जगह पे। जल्दी से ये जो साइड में बेल आइकॉन का बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ये जो डेली डाइट प्लान लेके आ रहे हैं आप इसका बेनिफिट ले सकते। गोल्डन रूल्स को जानने के लिए जल्दी से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, जहां आपको पता चलेगा कि आपको हमारे डाइट प्लान के साथ साथ किस तरीके से हमारे रूल्स को फॉलो करना है। तो ये है आपका आज का डाइट प्लान। सो गाइज, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं मेरे गोल्डन रूल्स। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे इन गोल्डन रूल्स से बिल्कुल अच्छे से वाकिफ हैं। अगर नहीं है वाकिफ तो जल्दी से जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आपको मिलेगा मेरे गोल्डन रूल्स का वीडियो, जिसको आप फॉलो करेंगे और उसके बाद ही आप अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करेंगे, जिसमें आपको पहले ही दिन अपने मेजरमेंट्स और अपना वेट हमें अपडेट कर देना है, और साथ ही में अपनी एक पिक। और उम्मीद करती हूँ कि आप डेली अपने आप को ग्रीन टिक और रेड क्रॉस दे रहे हैं। अगर आपने उसे बहुत सक्सेसफुली किया है तो आपको खुद को देना है ग्रीन टिक, और अगर आप किसी भी गलती, पूरे दिन में आपने कोई एक भी गलती की है, तो रेड क्रॉस। तो चलिए शुरू करते हैं आपके मॉर्निंग ड्रिंक से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि घी या जूस एक ऐसा जूस है जो कि ना ही केवल आपका मेटाबॉलिज्म जो है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, उसी के साथ साथ डिटॉक्स करेगा आपके लिवर को, आपके इंटेस्टाइन को, जिसमें आपको वेट लॉस में भरपूर हेल्प मिलेगी। ध्यान रखिएगा ये जो घिया है ये काला और कड़वा नहीं होना चाहिए। अब आ जाता है आपके ब्रेकफास्ट का टाइम। तो इसमें आपको लेना है हंग कर्ड सैंडविच। तो जितना कॉम्प्लिकेटेड इसका नेम है उतना ही आसान इसको बनाना है। आपको 2 चम्मच दही लेना है, उसे छलनी में रख देना है थोड़ी देर पहले ही, जब आप इसे बनाएं उससे कुछ देर पहले। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी वेजिटेबल्स को चॉप करके 2 ब्रेड लेने हैं आपको, व्हीट ब्रेड या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड, उसमें फिल करिए और उसे ग्रिल कर दीजिए, टोस्ट कर दीजिए। और उसी के साथ चाय, कॉफ़ी, जो भी आपको लेना है। ध्यान रखिएगा कि चाय में हम गुड़ का पाउडर यूज़ कर रहे हैं, मीठा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको हंग कर्ड सैंडविच का जो रेसिपी चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, जहां आपको मिल जाएगा मेरा हंग कर्ड सैंडविच का रेसिपी। मिड मील दोपहर को जब हमें थोड़ी सी मीठी मीठी भूख लगने लगती है, तो अगेन हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी ड्रिंक, चिया सीड लेमन वाटर। तो आपको क्या करना है, रात भर चिया सीड्स को भिगो के रखना है, और अब यहाँ पे बच गए हैं लगभग 12:30 के आसपास आपको लेना है चिया सीड्स लेमन वाटर, जिसमें 1 चम्मच चिया सीड, 1 ग्लास पानी और उसमें आधा नींबू स्क्वीज कर लेंगे, और पिंक सॉल्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो ये देगा आपको बहुत सारी ताकत इस वेट लॉस जर्नी में। लंच रहेगा आपका 2:30 बजे के आसपास। 2:30 बजे आज आपको अपने लंच में लेना है खिचड़ी, जिसमें कि दाल की क्वांटिटी होनी चाहिए ज़्यादा और चावल की क्वांटिटी रहेगी हमारी बहुत ही कम। तो लगभग अगर आपने लिया है आधी कटोरी दाल, तो आपको 2 चम्मच ही लेने हैं चावल। हींग का इस्तेमाल कीजिएगा, जीरे का इस्तेमाल कीजिएगा, काली मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा, जो आपके डाइजेशन के लिए है बहुत ही अमेजिंग। लंच करने के जस्ट बाद आपको अराउंड 3 लेना है ग्रीन टी। तो देखिए, जहाँ जहाँ मैं ये डाइट प्लान बनाने के बाद भी कुछ भूल गई हूँ, वो मैं आपको हाथ के हाथ यहाँ मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस डाइट प्लान से आपको आए बिल्कुल अमेजिंग रिजल्ट्स। इवनिंग मिड मील की बात करते हैं, तो आजकल पूरा बाजार, मार्केट इन सीजनल फ्रूट से, जो कि है तरबूज और खरबूजा, भरे हुए हैं, जो कि बहुत रीजनेबल हैं और सभी लोग इसे बहुत ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपको 1 कटोरी लेना है तरबूज या खरबूजा, और उसके साथ आपको लेने हैं 2 अखरोट। डिनर आपका हर डाइट प्लान हर डे की तरह 8 बजे कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसमें आपको लेना है मिल्क ओट्स पॉरेज। तो मिल्क को ओट्स को आप सुबह से ही भिगो के रख दीजिएगा। मिल्क जो आपको इस्तेमाल करना है इसमें, वो आपको लेना है डबल टोन्ड मिल्क, 200 ml के आसपास आपको मिल्क लेना है और उसे ओट्स में मिक्स कर देना है। मीठे के लिए आपको थोड़ा सा गुड़ पाउडर लेना है इसके अंदर, और साथ ही में आप मिक्स सीड्स ऐड कर दीजिए और कुछ नट्स इसमें ऐड कर दीजिए, जिसमें कि 4 बादाम, 1 अखरोट की फली रहेगी, जिसको आपको छोटा छोटा ग्रीट करना है, और ये तैयार हो गया आपका ओट्स पॉरेज। सो यहाँ पे हो जाता है आपका डिनर के साथ दिन फिनिश। नाइट ड्रिंक में आपको लेना है आज जिंजर टी। तो गर्मियाँ हैं, अगर आपको
जिंजर की तासीर गर्म लगती है, यूरिन में जलन हो या किसी भी तरीके की कोई अनइजीनेस हो, तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि मुझे ग्रीन टी नहीं सूट करती है मैम। अगर ग्रीन टी नहीं सूट करती है तो आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू और 2 बूंदे शहद की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस मैंने इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि इस बार मैं भी आपको लेके बहुत स्ट्रिक्ट हूँ और आप भी इस डाइट प्लान के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे। मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप इनबॉक्स में जाएं और अपनी फ़ोटो और अपने मेजरमेंट्स और अपना वेट मुझे अपडेट कर दीजिए, ताकि जब आपको इसके साथ अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे ना, तो हम आपको ज़रूर मेंशन करेंगे हमारे इंस्टाग्राम पे। तो मेरा इंस्टाग्राम है स्टे फिट विद कैंडी। जल्दी से शेयर कर दीजिए इसको अपनी चाची, मामी, बुआ, कज़न, फ्रेंड, जिसकी भी मैरिज होने वाली है, जिसको भी जाना है वेकेशंस पे, या जिसको भी होना है अपनी पुरानी ड्रेसेस में फिट। सो हैव अ वेरी वेरी हैप्पी वेट लॉस विद कैंडी।